फिरनी है, ना खीर है ना फिरनी है, खीर भी है फिरनी भी है। और इसको बनाएंगे सीता फल से। ये जो है कस्टर्ड एप्पल, अगर पका हुआ होता है तो बस हाथ से ही ऐसे ही, ये देखिए, और ये बीच में से इसके जो बीज हैं वो निकालने बहुत जरूरी हैं। तो इसका पल्प चाहिए हमें, इसका जो हमने फ्रूट का पल्प, ये देखिए ये निकाला, इसमें से बीज निकाल दिए और कुछ क्रश भी किया, इसको प्यूरे इसका बना ले। तो ये हो गया सीता फल, शरीफा कस्टर्ड एप्पल। और दूध चाहिए, ये दूध है मेरे पास, और ये जो दूध है ये आप गाय का दूध ले सकते हैं, भैंस का ले सकते हैं, बकरी का ले सकते हैं। जी हाँ, बकरी का दूध काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो वैसे जो आपके यहाँ पे मिले वो ले। और इसके साथ साथ हमें चाहिए चावल, देखिए चावल, सस्ते वाले चावल, सस्ते वाले चावल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं कि बासमती चावल चाहिए लंबे लॉन्ग ग्रेन, नहीं, छोटे चावल उतने अच्छा। बासमती भी इस्तेमाल करना तो बासमती टुकड़ा इस्तेमाल करें, वो चाहिए। और वो डालेंगे हम ये दूध के अंदर, ये लीजिए, जैसे जैसे दूध पके चावल भी गल जाए, ये चावल अच्छी तरह से गलना चाहिए। और अब कस्टर्ड एप्पल हो गया दो तरीके से, दूध, दूध में चावल, पर कस्टर्ड एप्पल दो तरीके से हुआ तो चावल भी दो तरीके से लेते हैं ना। चावल दो तरीके से, एक तो वैसे ही डाला, दूसरा चावल को भिगो कर उसको आप पीस लें, उसकी पेस्ट बना लें इस तरह से। और ये जो पेस्ट है अगर थोड़ी मोटी रहती है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा महीन करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चावल की पेस्ट, चावल दूध में पक रहे हैं लेकिन अभी नहीं डालना है इसमें। और ये जो दूध है इसमें ज़रा चावल पकने देते हैं, और घबराने की बात नहीं है क्योंकि गर्म करने पर भी इसकी मिठास बरकरार रहेगी। तो ये इसमें डाला, चलिए ये देख लेते हैं ये जो चावल हैं इनका क्या हाल है। और अब ये जो हमने चावल का आटा लिया है, यानी चावल को पीसा है, उसको बस इसके अंदर मिक्स कर लें। अगर ये बहुत गाढ़ा हो तो पानी या दूध के अंदर घोल के फिर डालें। देखिए मैं तो फटाफट इसमें डालकर इसको मिक्स कर लेता हूँ, और मुझे पता है कि ये इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। खुशबूदार चीज़ डालते हैं इसमें, पिसी हुई इलायची, पर ज़्यादा नहीं। इसको कर देते हैं बंद। चलिए थोड़ा ठंडा कर लिया, अब देखिए काफ़ी गाढ़ा है ये, लेकिन अब डालेंगे हम इसके अंदर ये कस्टर्ड एप्पल प्यूरेड, प्यूरे किया हुआ कस्टर्ड एप्पल, और इसे कर लेते हैं मिक्स। और उसके साथ साथ ये भी कस्टर्ड एप्पल, ताकि थोड़ा चंकी टेस्ट आए। अच्छी तरह से मिक्स किए, और अब इसको जब ये थोड़ा गर्म ही हो इसी तरह से इसको डालना है इसके अंदर, ये इसके अंदर, और इसके ऊपर गार्निश के लिए थोड़ा पिस्ता, ये देखिए।